आपको इस वीडियो के माध्यम से या काम करके हम बताएंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे पार्ट्स किसके, हेक्सा में हमने कल भी तुम्हें बताया था, अब दोबारा से आपको बताते हैं। ये होती है इसकी बॉडी माइस्टेट की पाइप, ठीक है। दूसरा होता है ये विंग नट्स, इसे हम दूसरा नाम देते हैं फ्लाई नट्स, ठीक है। ये मोरवेंजा, ये फिक्स, ये होता है हैंडिंग। हैंडिंग प्लास्टिक का भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है। ये है एडजस्टेबल हेक्सा, इसको घटा या बढ़ा सकते हैं। हेक्सा हमारे तीन प्रकार के होते हैं, फिक्स हेक्सा, एडजस्टेबल हेक्सा, पावर हेक्सा। पावर हेक्सा को हम बिजली के द्वारा चलाते हैं, जो बड़ी बड़ी वर्कशॉपों में या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मोटे मोटे जोड़ों को काटने के लिए उसका जैसे हम बर्तन बनाते समय छोटी छोटी लोहे की प्लेटें होती हैं, उसको पीट पीट करके हमें क्या करते हैं, बर्तन के आकार में कितना एमएम का हमें रखना है उसी हिसाब से हम बर्तन को उसको कटवा के फिर कौन सा हैमर, पावर हैमर से उस लोहे को पीट देते हैं। पीटने के बाद में वो फैल जाता है, ठीक है। फिर उसको फैक्ट्री में जाकर डाई लगाए, डाई से उसको जो आकार देना वही है, ठीक है। तो आज हम आपको बताएंगे इसमें कि हमें इस हेक्सा से पाइप को कैसे काटना है, इसमें ब्लेड कैसे लगाना है। ब्लेड जो लगाना है इसके दांते ब्लेड के हैंडल से विपरीत दिशा में होनी चाहिए, जिस तरफ हैंडल है उसके विपरीत दिशा में ब्लेड के दांते होने चाहिए, ठीक है, याद रहेगा। क्योंकि अगर अपनी तरफ लगेंगे तो वो काटेगा नहीं, वो करक करक की आवाज करेगा ऐसे। और जब हम इसको काटेंगे आगे की तरफ दांते होंगे तो इसमें क्या होगा, ऐसे निशान लगाएंगे, ऐसे ऐसे लगा करके ये ऐसे उंगली लगा के इस पर निशान लगाएंगे ऐसे यूं, ठीक है। दोनों हाथों से चलाएंगे, जब थोड़ा सा गहरा हो जाए तो थोड़ा सा कुलेंट ले जाओ, कुलेंट ले जाओ, कुलेंट, ताकि हमारा ले पकड़ो ब्लेड टूट, हमें कटने वाला तो उसको ब्लेड को थोड़ा सा धीरे चलाना, हाथ को ये नहीं कि हाथ हमारा इसमें लग जाकर तेज चलाओगे तो, ठीक है। तो आपको आज हमने इसमें हेक्साइन प्रैक्टिस के बारे में बताया है, आप लोगों को अच्छे समझ में आया। अगर किसी को कोई समस्या है तो आप हमें बताएं, ठीक है।